Hello everyone. Today we are back with this second lecture on staffing. What we are going to discuss today is we'll be talking about the components or the elements or the aspects of staffing. Now, if you remember last day also, when I was discussing, I had put focus on three very important aspects which are known as recruitment, selection, and training. Number one is recruitment. What is recruitment? Recruitment means inducing and attracting more and more candidates to apply for the vacant job positions in your organization. What do I mean by that? आपके कंपनी में एक जगह खाली है, उसके लिए आप लोगों को बोलोगे कि भाई आओ हमारे कंपनी में अप्लाई करो, तो कंपनी का गुडविल जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अगर मुझे कोई एबीसीडी कंपनी बोले कि आइए हमारे कॉलेज में पढ़ाइए, हमारे स्कूल में पढ़ाइए, हमारे बच्चों को लेक्चर्स दीजिए, मैं बिल्कुल उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करना चाहूंगा। ठीक उसी तरह आप लोग भी अगर अपने कंपनी में किसी को रिक्रूट करना चाहोगे तो वो बंदा भी चेक करेगा कि आपके कंपनी का रेपुटेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ काम कर लिया और उस एक्सपीरियंस को मार्केट में किसी ने तवज्जो ही नहीं दिया। सो आपको बताना है कि मेरे कंपनी में काम करने से आपको फलाना फलाना फायदा होने वाला है। सर तवज्जो माने यू डोंट गेट द इंपॉर्टेंस इन द जॉब मार्केट। सो रिक्रूटमेंट, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंड्यूस एंड अट्रैक्ट कैंडिडेट्स। द मोर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट यू आर हैविंग, more number of candidates you are having, it becomes easier for you to select the right person, right? So in general words, we can say that recruitment means search for candidates who can perform the vacant roles. Aapke company mein jo positions vacant hai, uske liye kaun sa candidate sabse sahi hai, uske selection ko kehte hain, uske liye aap logo ko agar अप्लाई करने के लिए कहते हो, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। सर्च फॉर कैंडिडेट्स, लुक आउट फॉर कैंडिडेट्स, व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर कैंडिडेट्स और सर्च फॉर कैंडिडेट्स, दैट इज नोन एज व्हाट, रिक्रूटमेंट। आपको क्या करना है, यू हैव टू इंड्यूस देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड। वैसे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, लेकिन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। The two main sources of recruitment are internal source of recruitment and external source of recruitment. When I talk about internal source of recruitment, ये वो sources है जहां जो vacant role है उसको fill करने के लिए आप अपने company में जो existing employees है उन्हीं को आप बात करते हैं कि भाई आओ आप ये मेरा company में, आपको पता है ये job खाली रखा है, ये वाला position, you come down and apply for this. You are not involving any outsiders. ये कब हो सकता है? ये मान लीजिए आपके बड़ा कंपनी है, किसी किसी एक यूनिट में आपका कुछ सरप्लस स्टाफ हो गया है, तो आप उनको इंड्यूस कीजिए कि आप चलिए, जैसे मैं इकफाई में काम करता था, ICFAI, I was working for the northeastern zone, so the entire northeastern zone I was knowing. I was posted in Siliguri. So when in 2009 our organization decided that they will be going down for some shutdowns, unhone mera transfer kiya kahan pe, they transferred me to the Agartala campus. So this is what we say internal changes. Ye unhi logo ko milta hai jo log already perform kar chuke hain, those who are having a background ki ye banda hamare company ke liye faydemand hai, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह पे उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको उस जगह से निकाल के जहां पे जरूरत है वहां पे आप उसको डालते हो, राइट? सो दिस वे आपका सबसे सबसे पहला चीज जो होता है, एडवर्टाइजमेंट देना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, इट नीदर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। तो अगर मैं बोलूं आपको what are the advantages of internal source of recruitment, तो पहला वाला तो जरूर आएगा कि this is economical.
नंबर टू जो होता है, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ही गेट्स मोटिवेटेड। क्यों मोटिवेटेड? क्यों? मान लीजिए आप एक कस्बे वाले छोटे से शहर में काम कर रहे हो, और आपको मेट्रोपॉलिटन वाला जो डिवीजन है उसमें काम करने का मौका मिले, सो यू विल बी मोटिवेटेड फॉर दैट, इजंट इट? बिकॉज योर पर्क्स विल बी हायर। सो नंबर वन, इट मोटिवेट्स, ऑफ कोर्स इट इज इकोनॉमिकल, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, कि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं हायर अप पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं, या मुझे सोचा जा सकता है इस पोजीशन के लिए, आई विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोजीशन। इस तरह के लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए तो आपके ट्रेनिंग में भी खर्चा बहुत कम आता है। आप सोचो एक बात, अगर आप किसी को पूरी तरह बाहर से लेके आते हो, ही इज एन एक्सटर्नल कैंडिडेट जिसको आपके कंपनी के बारे में अता पता नहीं है, उसको आपको जीरो से समझाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? उसको आपको जीरो से समझाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको फायदा क्या हो रहा है? ये बंदा ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, ही वाज वर्किंग विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो ही इज अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज फमिलियर विद दैट। नाउ यू नीड टू जस्ट ट्रेन हिम अप फॉर द जॉब पोजिशन ही हैज टेकन अप। यू नीड नॉट हैव टू ट्रेन हिम फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नीड नॉट हैव टू टेल हिम अबाउट द जेनेसिस, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको जरूरत नहीं है। सो एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फमिलियर, सो लेस चांस ऑफ टर्न ओवर। वट डू आई मीन बाई टर्न ओवर? इसके छोड़ के जाने के चांसेस कम है। होता है बहुत टाइम ऐसा कि लोग आपके कंपनी को ज्वाइन करते हैं एंड दे कैरी अ बैगेज विद देम, अपने सर के पीछे दे कैरी अ बैगेज। वॉट इज द बैगेज? दे एक्सपेक्ट दैट मुझे ये मिलेगा। जब आपके कंपनी उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरती है तो क्या होता है, वो अपना कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। इसमें आपको नुकसान कहाँ पे है? किसी के जाने से जितना नुकसान है उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। उसको रिक्रूट करके, ट्रेन करके, उसको तैयार किया आपने उस पोजीशन के लिए, और आपने देखा एक एक साल बाद वो छोड़ के चला गया। अल्टीमेटली क्या है, इतना जितना खर्चा किया आपने उसके डेवलपमेंट में, उसके ट्रेनिंग पे, वो तो टाटा फिश, वो चला गया आपके किस पे, पानी में। सो टर्न ओवर रेट्स कम है अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो। तो नंबर वन क्या बोला मैंने, इट्स इकोनॉमिकल। नंबर टू, इट एक्चुअली मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। नंबर थ्री, ट्रेनिंग में आपका खर्चा कम होता है, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, चांसेस ऑफ टर्नओवर्स आर लेस, एंड यस दिस इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी एम्प्लॉय को आप प्रमोट करते हो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो उस बंदे को पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो आई हैव अ चांस ऑफ गेटिंग प्रोमोटेड टू हायर पोजिशन। हायर पोजिशन मीन्स इट इज हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट ऑल्सो कंसीडर, ही विल बी कंसिडरिंग कि अगर हायर पोजिशन पे जाता है, ही विल बी गेटिंग गुड वर्क्स, सैलरी अच्छा होगा उसका। तो दिस इज ऑल्सो अ मोटिवेटिंग फैक्टर। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। अब ये जॉब रोटेशन क्या है, पिछले दिन मैं आपको बोल रहा था, आप देखोगे अगर बैंक्स में जाओगे, एक ही लेवल पे हर आदमी को एक जगह पे काम करते हुए पूरा, आप अगर किसी किसी बंदे को देखो, आप 1.5-2 साल का एक एक स्पैन ले लो, इन अ बैंक दे डोंट वर्क इन द सेम पोजिशन। कोई टेलर का काम कर रहा है, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो इज डूइंग सम कैशियर का काम कर सकता है, और ना देर आर पोजिशंस, डिफरेंट पोजिशंस इन विच ही वर्क्स। दिस वे ही डजेंट गेट बोर्ड, उसको बोर्डम नहीं आता है। अगर आपको एक ही चीज रोज 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 करने बोला जाए, यू वुड बी गेटिंग बोर्ड एट सम पॉइंट, इजेंट इट? बट इफ यू आर गिवेन अ चांस फॉर जॉब रोटेशन, अलग अलग काम करने दिया जाए, डोंट यू थिंक दैट यू विल बी गेटिंग मोटिवेटेड? एक दिन आपको बोला है, महेंद्र सिंह धोनी का बात ले लो, एक दिन उसने क्या किया, गांगुली ने उसको बोला कि तुम 7 नंबर पे बैटिंग करोगे। जैसे वो 7 नंबर पे फेल हुआ, गांगुली ने क्या किया, ये 2006-07 की बात कर रहा हूं या 2005-06 की बात कर रहा हूं, उसको 3 नंबर पे खिला दिया। अब सिंस ही वॉज अ टैलेंटेड प्लेयर, ही प्लेड देयर वेल एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज 3 नंबर पोजीशन और 7 नंबर पोजीशन में बैटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। 50 ओवर्स का मैच अगर उठा के देख लो आप, जो 7 नंबर पे बैटिंग करते हैं उसको 5 या 6 या 10 ओवर ही मिलता है मैक्सिमम, लेकिन जो 3 नंबर पे बैटिंग करता है, हो सकता है उसको 40 या 50 ओवर मिल जाए बैटिंग करने के लिए।
isn't it? So job rotation is very important so that when there is a need, you can use the same person for different roles. Job rotation plays a very important role. Through transfer, surplus employees can be shifted. आप देखोगे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ये सबसे ज्यादा है. रिक्रूटमेंट के टाइम पे तो भर भर के लोग ले लेते हैं, अब काम नहीं है इनके पास तो सारा दिन बैठ के क्या करते हैं, या तो दे डू सम मुंडेन वर्क जिसके लिए वॉट एवर सैलरी दे आर गेटिंग दे आर नॉट गेटिंग इट, यू नो दैट इज नॉट कमेंसुरेट. और क्या हो सकता है, दे आर आइडलिंग अवे देयर टाइम्स. ये हर एक के साथ नहीं है, दिस इज नॉट विद एवरी डिपार्टमेंट but with some department it is there. And check, this is the reason now the government is going down for privatization of most of the PSU units. You must be seeing that there is a lot of hue and cry going around in the country when people are talking about privatization. Sir, right? Sir, PSU to sir public sector units, na? Right. Where government has its stake. Stakeholders hai government uska. Okay, sir. I'm so sorry. I'm really sorry. Okay. No, sir, it's okay, sir. This through transfer, आप क्या करते हो? Surplus employees को काम पे लगाते हो. जैसे ही आप मान लो कि अगर मेरा सिलीगुड़ी वाला यूनिट बंद हो गया इकफाई का, so I was a surplus employee. मेरे साथ और कम से कम 40-50 लोग जो थे मेरे साथ काम करने वाले वो surplus हो गए. But because I was a performer, I'm so sorry. Because I was a performer, I was given a chance to work for some other department as well. Did you get that? But isme ek problem bhi hai. There is a drawback also. Kya drawback hai? Dekho, agar ek banda aapke organization mein kaam kar raha hai, aapke organization ko janta hai, uska problem kya hai? Ki uski ek fixed mindset hai. Wo janta hai ki is cheez ko aise hi karna hai. Lekin अगर आप किसी बंदे को बाहर से लाओगे, एक एक्सटर्नली रिक्रूटेड कैंडिडेट को लाओगे, वो बंदा नई सोच लाएगा. सो ही विल बी हैविंग फ्रेश आइडिया, ही विल बी हैविंग न्यू आइडियाज. ये भी जरूरी है, नॉट नेसेसरीली कि अच्छा इसमें मेरा खर्चा कम है तो चलो यही सबसे सही तरीका है, इसमें इसको लगा देते हैं. नहीं, नॉट नेसेसरी. व्हाट वी आर सपोज टू डू, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. द रिक्रूटमेंट शुड बी अ मिक्सचर. सो बिकॉज there is no fresh or new ideas, it you know, the thought process of the organization gets stagnated. There will be very limited choice, kyunki aapke organization mein, kisi bhi organization ko uthake dekh lo, even government organization, usme bhi dekho, bahut kam log hi surplus hote hain, bahut kam log surplus hote hain. To aapka jo choice hai ki chalo 5000 logon mein se ek bande ko select karna, या 200 बंदे में से एक को सिलेक्ट करना, या 20 बंदे में से एक को सिलेक्ट करना, कौन सा आपको लगता है कि आप आपका प्रोबेबिलिटी बेटर है, बेटर आदमी मिलने का प्रोबेबिलिटी है? 5000 में से आपको एक बंदा अगर चुनना है तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत हाई है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट विल बी गेटिंग अ बेटर रिक्रूटी. बट अगर यहाँ पे आप देखते हो 20 बंदा है आपके पास, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है, आपके पास चॉइसेस एकदम लिमिटेड है, तो देयर इज अ लिमिटेड चॉइस. Not suitable for new organization. अगर आपका पहला organization है, आप नया खोल रहे हो, आप startup है, तो आपके पास तो भैया है ही नहीं लोग. आपके पास ये तभी हो सकता है जब एक established organization है जो 5-7-10 साल चल चुका है और वहां पे employees है, बहुत सारे employees है. लेकिन अगर आपका new organization है तो इसमें तो internal recruitment का कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो not suitable for new organization. And yes, frequent transfers may also reduce the productivity of employees. अब देखो, अगर किसी बंदे को, एक बैंक ही की बात कर रहा हूं, आप स्टेट बैंक का एग्जाम्पल उठा लो. स्टेट बैंक में अलग अलग जोन है, इसमें क्या होता है, अलग जोन से, एक जोन से दूसरे जोन में हर 3 साल में एक ट्रांसफर होता है, राइट? कभी किसी को सिलीगुड़ी से कोलकाता लेके चले गए, किसी को कोलकाता से उठा के वर्धमान लेके चले गए, किसी को वर्धमान से उठा के दुर्गापुर लेके चले गए, एंड सॉर्ट ऑफ थिंग. लेकिन अगर एक बंदा जिसका परिवार है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, द पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नाउ हैविंग फैमिली. मान लो एक बंदा, ही इज अ मैरिड पर्सन, उसको कोलकाता से उठा के सिलीगुड़ी लेके आ जाते हैं, उसका तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसके फैमिली
हो सकता है उसकी वाइफ, उसके बच्चे वो पढ़ रहा हो वहां पे, या वट एवर देयर एस्टेब्लिशमेंट्स आर, एक बार में चेंज करना बिकम्स डिफिकल्ट. सो इससे क्या होता है, मानसिक तनाव में रहते हैं वो लोग, एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो कम्स डाउन. सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से ये भी एक हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. इंटरनल ट्रांसफर फिर कैसे हो सकता है, वट आर द मेथड्स? सबसे पहला तो हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट, में भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट. और क्या हो सकता है, इट मे बी अ प्रोमोशन, एक क्लर्क को अकाउंटेंट का पोस्ट दे दिया जाए, सो दैट कैन बी अ प्रोमोशन. सो ट्रांसफर हो सकता है, प्रोमोशन हो सकता है, राइट. अब आता हूं मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मैक्सिमम जगहों पे आप जो देखते हो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही होता है. व्हाट डू आई मीन बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में रिक्रूट करना है, हमने देखा कि एक्सिस बैंक का कोई बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो चलो भाई उसको उठा लो. इसको कहते हैं पोचिंग, उसको अप्रोच किया जाता है. अगर यू नो डील अच्छी तरह सेटल हो जाए, ही कैन कम डाउन एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक है. दूसरा हो जाता है फ्रेश टैलेंट्स, यंगस्टर्स. आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ कैंपस ड्राइव्स बीइंग डन, कैंपस इंटरव्यूज होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यू नो इंस्टीट्यूट्स में कैंपस इंटरव्यूज होती है. इससे क्या होता है, फ्रेश टैलेंट आपको मिलता है. फ्रेश टैलेंट मतलब उसका दिमाग खाली है एकदम, ही इज यू नो. आपको हम लोग कहते हैं कि किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो है, हमें पहले बंदों को अनलर्न करवाना पड़ता है. व्हाट डू आई मीन बाय अनलर्न? उसके दिमाग में जो चीजें घुसी हुई है उसको निकाल बाहर करना पड़ता है, फिर नए चीजों को, नए थॉट्स को लाना पड़ता है. So it's very difficult to make people unlearn things. अगर मैं आपको ABCD बोलने बोलूं या periodic table बोलने बोलूं, आप लोगों ने जो बचपन में सीखा है वो गरगर गरगर करके बोल दोगे मुझे, isn't it? You would be narrating it. But when it comes to new things, you all also try to you know relate that with whatever you have learned in the previous you know classes. So that's where we need to unlearn things. That's you know that is not the case with fresh employees. So when the candidates from outside the organizations are invited, this is known as external recruitment. We can also say when the organization meets its manpower recruitment from outside the organization, right? ये इसका advantage क्या है? सबसे पहला advantage तो जैसे मैंने बोला, we get fresh talent, new talent. You know, जैसे देखो हम लोग आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, बट मे बी सिंस आई हैड बीन टेकिंग क्लासेस फॉर द लास्ट 17-18 इयर्स, आई वाज नॉट हैबिचुएटेड विद दिस यू नो दिस मोड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. और उसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है. वी वेर मोर ऑफ अ चॉक एंड अ डस्टर एंड मोर ऑफ अ यू नो लाइक व्हाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाने वाले लोग हैं. आई एम नॉट दैट सर. सर एट द इनिशियल आमरा बट देन when we have fresh talents, they bring with them what? They bring with them technologically advanced knowledge. Aaj dekho main seekh ke is jagah pe aap logo ka class le raha hu, right? But it is a cakewalk for the youngsters. Mere hi jo you know mere hi jo colleagues hai, jo mere se young hai, they are much more competent than me when it comes to technological advancement. Main seekh raha hu, wo log already seekh chuke hai. They have come down with that particular knowledge. So, अलग से training करवाने की ज़रूरत ही नहीं है. We have wider choice. When we get people from outside the organization, we have a pool of talent. Now, this pool of talent gives me a wider choice. When I say wider choice, what do I mean? मुझे chances ये मिलता है कि better candidate मिलने के chances मेरे पास high है. We get qualified personnel. अब आज के दिन में, आज से 30 साल पहले जो टीचर ज्वाइन किए थे हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में, शायद ही उनके पास
कोई प्रोफेशनल डिग्री रही होगी। उस जमाने में तो शायद स्कूल्स के रिक्रूटमेंट के लिए बीएड की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, या आप अगर देख लो कॉलेजेस के रिक्रूटमेंट के लिए दे हार्डली रिक्वायर्ड अ पीएचडी। एक बंदा एमएससी पास है, उसने कॉलेज सर्विस कमीशन का एग्जाम पास किया तो ही हैज गॉट रिक्रूटेड इनटू द कॉलेजेस। बट अभी ऐसा नहीं है, यू नो पोस्ट 2009 देयर हैड बीन रूल्स दैट यू हैव टू हैव अ नेट क्वालिफिकेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना है, आपको एक यू नो यू नीड टू हैव अ पीएचडी इन द रिलेवेंट फील्ड। सो दिस वे न्यू जनरेशन पीपल हु आर कमिंग इन दे आर मच मोर क्वालिफाइड। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डिड आई से, आई सेड दैट देयर इज अ एडवांटेजेस ऑफ फ्रेश टैलेंट, वाइडर चॉइस एंड ऑफ कोर्स क्वालिफाइड पर्सनल्स। The next very important thing is that, as I have shared, is the latest technology, technological knowledge. ये बंदों के पास होता है. And सबसे बड़ी चीज है competitive spirit. You know, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, हम लोग थोड़ा सा वो कहते हैं ना, in a very trivial language, लैदखोर हो जाते हैं. What do I mean by लैदखोर? We become very lazy. We tend to become very lazy. राइट right. चलो यार चल रहा है जिंदगी, जैसे चल रहा है चलने दो, काइंड ऑफ एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन आप अगर नए बंदों को लाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, यंगस्टर्स को लाओगे, फ्रेश ब्लड को लाओगे, आप देखना वो लोग कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं। सो इसपे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे 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 यूनिट में क्या आता है, कंपिटिटिव स्पिरिट आ जाता है। थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप्स अ कंपिटिटिव स्पिरिट within the existing employees also. वो बंदा आया है, मुझे उससे बेटर करना है, मैं उससे ज्यादा यू नो ज्यादा टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बिताया है, तो आई हैव टू डू बेटर देन हिम। ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर एक चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है। इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, अगर आप बाहर से किसी बंदे को लेके आते हो, मान लो कोई बंदा ऑलरेडी उस पोजीशन पे इंचार्ज के रोल यू नो रोल प्ले कर रहा है, सपोज अ पर्सन इज ऑलरेडी प्लेइंग द रोल ऑफ अ इंचार्ज, एंड देन यू रिक्रूट समवन फ्रॉम आउटसाइड, द मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज इज गोइंग टू गो डाउन। ही और शी माइट थिंक, मैंने जो इतना एफर्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इतना एफर्ट देने का, क्योंकि मुझे तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मुझे तो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो उसका मोराल जो है, उसका स्पिरिट जो है, उसका मोटिवेशन लेवल जो होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन और फॉल्स। द न्यू एम्प्लॉइज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन देर आर मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर। आपने किसी बंदे को लाया बाहर से, वो बंदा आया बिंदास आया, उसने देखा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन पे तो मेरी सेटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, लेट मी लीव द जॉब। उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एक साल बिता रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है, या ही हैज बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5-6-10 ईयर्स, he has developed an attachment with the organization. वो छोड़ने के पहले 50 बार सोचेगा कि मैं छोड़ू कि ना छोड़ू। तो turnovers are more, if you see there are certain statistics study होता है इसके ऊपर, रिसर्च किया जाता है और देखा जाता है मैक्सिमम वो लोग छोड़ के जाते हैं जो लोग 1-3 साल मैक्सिमम उस ऑर्गेनाइजेशन में बिताते हैं। सिर्फ यही नहीं, इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। मैंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट अगर आप एक रिनाउंड न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पे देते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, लाखों खर्चा आ जाता है भाई। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज टू इनवाइट एन आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। सो कंपनीज हैव टू बियर हेवी बर्डन ऑफ एडवर्टाइजिंग। और सिर्फ यही नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग भी तो है भाई। आप अगर देखो, आपने एडवर्टाइज पहले तो आपको एक वो बनाना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स है रिक्रूटमेंट के, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है,
उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एक एडवर्टाइजमेंट डालोगे, फलाना एक एक, एक डेट दोगे जिसके ऊपर आपको करना पड़ेगा कि फलाना होटल में आ जाओ या फलाने कैंपस में आ जाओ जहां पे आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होता है बहुत सारे लोग आते हैं, सो दैट इज अगेन आपका मैन पावर वेस्ट होता है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, उनमें से सिलेक्ट करते हो, चार पांच राउंड्स होती है, एचआर राउंड, फलाना राउंड, यू नो आफ्टर ऑल दीज टेक्निकल राउंड्स होती है, एचआर राउंड्स होती है, एचआर इज द फाइनल राउंड, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये बंदा हमारे लिए सही है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक रिक्रूटमेंट, एक सही रिक्रूटमेंट करने के लिए, मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वो लोग तो यू नो अगर सीईओ पोजीशन के लिए लेते हैं या हायर अप पोजीशन के लिए लेते हैं, दे गो डाउन फॉर अ लंच ऑल्सो विद द राइट कैंडिडेट सो दैट दे नो वेदर दिस पर्सन इज हैविंग द राइट एटीट्यूड टू ज्वाइन माई ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और नॉट। किस तरह से आप फॉर्क पकड़ते हो, किस तरह से आप यू नो यू हैव योर फूड, the higher ups, the HR actually checks that also, right? So it's a very, very lengthy process. What are the common external sources of recruitment? सबसे पहला तो direct recruitment होता है। जैसे मान लो आपको एक पियोन चाहिए, तो पियोन के लिए इतना technical position है नहीं, आपने क्या किया, organization एक notice लगा दिया, कहाँ पे, अपने office के सामने, या maybe दो चार जगहों पे एक नोटिस लगा दिया कि वी हैव दिस वैकेंसी इन आवर वर्कशॉप, या मे बी दिस इज द वैकेंसी दैट आई हैव इन माय फैक्ट्री, और मे बी दिस इज द वैकेंसी आई हैव इन माय स्कूल, और मे बी सम व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, वो डाल देते हैं। स्वीपर का हो गया, पियोन का हो गया, टेक्निकल पोजीशन नहीं है, तो जिन लोग जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आके अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जो जॉब सीकर्स है, जिनको जॉब चाहिए, मान लो यू आर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, यू हैव कंप्लीटेड योर बीबीए और एमबीए एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, सो व्हाट यू टेंड टू डू, यू टेंड टू अप्लाई इन दैट डोमेन। सपोज यू हैव कंप्लीटेड इन मार्केटिंग, और सपोज यू हैव कंप्लीटेड इन फाइनेंस, सो दोज कंपनीज हु यू थिंक इज अ पोटेंट रिक्रूटर फॉर यू, यू बी गोइंग डाउन एंड अप्लाइंग ओवर देयर। Suppose you are from the finance background, so you might go down to Goldman Sachs or maybe to PricewaterhouseCoopers. Over there, you go down and apply. So you just call up to find out whether there is a vacancy in the organization or not. So generally, a large organization maintain an application file. ये लोग क्या करते हैं, casual callers का, या जो लोग walk-in interviews में आते हैं या gates पे आके अपना CV या resume drop करके जाते हैं, they keep it in their रिज्यूम बैंक, राइट? इनके पास एक फाइल होता है जिसके अंदर ये सब रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वहां से निकाल के दे कॉल देम अप। सो दिस कैजुअल कॉलर्स इज अनदर यू नो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या मेरा खर्चा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बंदा आया था, अप्लाई किया था, सो लेट मी कॉल दिस फेलो एंड चेक वेदर ही इज फिट फॉर माई जॉब और ऑल्सो और नॉट। दूसरा हो गया आपका एडवर्टाइजिंग, जिसके बारे में आप सबको पता है, न्यूज पेपर में आपने देखा होगा क्लासीफाइड एड आती है जिसके अंदर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स वो लिखा होता है, एज लिखा होता है, आपके पास बहुत सारे कंपनीज का अगर न्यूज़पेपर खोल के ऐड देखोगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, टेलीग्राफ हो गया, स्टेट्समैन हो गया, या हमारा खुद अपना सिलीगुड़ी का जो है उत्तरबंग संवाद हो गया, या कोलकाता का आनंद बाजार पत्रिका हो गया, इन चीजों को अगर आप देखोगे, देखना इसमें क्लासीफाइड एड्स आती है जिसमें बकायदा लिखा होता है कि आपके पास बाइक होना जरूरी है, टू व्हीलर्स होना जरूरी है, या kind of stuffs, you must be competent with Java or you may be competent with Python, agar aap kisi technical position ke liye apply kar rahe ho, you should be having knowledge about Excel, Word, PowerPoint, you should be having computer knowledge, ye sab cheeze baqayda likha jata hai, kyunki agar aapke paas nahi hai bhaiya apply mat karo, hamara time barbaad mat karo, so that's advertising. Aur ek cheez लास्ट दिन भी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि देर इज समथिंग विच इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। नाउ देर कैन बी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि लाइक आप अपना देर इज अ प्रोसीजियर, उसमें आप क्लास 10 पास करने के बाद, 12 पास करने के बाद अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट करते हो, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो लोग भेजते हैं गवर्नमेंट पीएसयूज में, या कंपनीज आके उनसे लेके जाती है।
दूसरा हो गया आजकल जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है वो है प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. देर आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एबीसी कंसल्टेंट हो गया, या आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स है जो फ्लोट करते एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनका बड़ा बड़ा ऑफिस है. मफॉय हो गया एक, मफॉय वॉज अ वेरी रिनाउंड रिनाउंड रिक्रूटिंग एजेंसी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम्स आई वॉज ग्रेजुएटिंग. देर हैड देयर ऑफिस ओवर हेयर इन नीलाद्री शिखर बिल्डिंग ऑन द हिलकार्ट रोड on the seventh floor. So we used to go down and, you know, give us updated CVs over there. They used to interview us. There used to be HR personals. And at the end of the day, matching with the profile I am having and the requirement of the organization, they used to give us calls. Right? Sales ka agar hai to वैसे बंदों को दिया जाता है जो सेल्स में इंटरेस्टेड है, जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है उनको स्कूल्स कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन दिया जाता है अगर उनके पास आता है कोई. सो दिस इज हाउ इट इज डन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट देर आर फ्यू मोर. दूसरा होता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. कैंपस रिक्रूटमेंट में जैसे आपके टेक्निकल कॉलेजेस हो गया, जैसे आप मान लो बीटेक जहां पे करवाया जाता है, बीटेक जैसे आईआईटीज एनआईटीज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहाँ से जाके लोग कैंपस ड्राइव करते हैं. दिस इज द टाइम अराउंड द पार्ट ऑफ द ईयर लाइक सेप्टेम्बर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये लोग क्या करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते हैं. जो बेस्ट बंदे हैं इन लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, इंजीनियर्स हो सकते हैं, प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, एमबीएस हो सकते हैं, उनको लेके चले जाते हैं. फ्रेश ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल दे पिक अप पीपल. वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज. Now, this is something which is followed by the blue chip companies in India, like the TCS, like the CTS. Agar koi banda wahan pe kaam kar raha hai and he is having someone known to him, jo he is looking for a job aur us profile ka job apne company mein available hai. To ye log kya karte hain, apne dost ya bhai, bandhu, jo bhi hai, inko refer karte hain. And if that person, you know, survives and works well for the organization, uske liye he gets some kind of incentive also. So this is again a very potent source of the recruitment, that is references or recommendations from present employees. आप देखोगे, आप लोग अभी जब CV लिखना सीखोगे उसमें देखना एक last column रहता है वहां पे CV में, references, जिसमें आप कोई जान पहचान का कोई है जिसको आप रेफर कर सकते हो वहां पे, जो आपके लिए बोल सकता है वेल दिस फेलो ही इज अ डिसेंट फेलो ही कैन गो डाउन. सो दिस रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन हैव लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं, जैसे ये आप देखोगे बहुत सारे, यू नो देयर आर वेरी प्राइवेट प्लेयर्स. व्हाट दे डू, दे पुल अप पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में यू गेट चीप लेबर, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम देम and sell it to the concerned authorities. जैसे मान लो मेरे यहाँ पे लेबर की जरूरत है, मैसन की जरूरत है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, सो दे प्रोवाइड. अब देखोगे अभी अगर न्यूज पेपर वगैरह खोलते हो तो बहुत सारे बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से लोग चले जाते हैं बैंगलोर में, चेन्नई में, टू वर्क एज मैसन, वर्क एज लेबरर्स. बहुत लोग होते हैं जो लोग आबू धाबी या बाहर चले जाते हैं, वहां पे जाके प्लम्बर का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं. Right, so there are labor contractors over there. And last but not the least, we can have advertising on television, we can have it on some web publishing. Aap agar aaj ke din mein Facebook ya YouTube ya is tarah ka kuch bhi khologe, you would be finding every now and then they are coming up with a lot of advertisements, isn't it? These advertisements are not, you know, they are paid advertisements. Isse kya hota hai, you can reach out a mass, but again आपके टारगेट सेगमेंट को टच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट यू आर रीचिंग आउट टू द मास फॉर अ वेरी मीगर अमाउंट ऑफ मनी. सो व्हाट डिड आई से, इफ आई नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. इंटरनल रिक्रूटमेंट इट हैपेंस विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इट वी नीड टू यू नो गेट इन आउटसाइडर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. इन टर्म्स ऑफ टाइम इफ आई से, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज लेस टाइम
consuming. Why it is less time consuming? Because herein you are recruiting your own people, but external recruitment is time consuming. In terms of economy, paise ke side se agar dekhte, in terms of economy, the internal recruitment process is more economical. It does not involve too much of cost. But when you talk about the external one, it is a costly affair. Newspaper, magazine, in sab mein notification dalna, advertisement dalna, kharcha to hota hai. क्वालिटी की अगर बात करें इंटरनल में तो लिमिटेड चॉइसेस है आपकी. यू हैव लिमिटेड चॉइस बिकॉज आपके पास जितने बंदे हैं उसी में से आपको सिलेक्ट करना है. लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपके पास बहुत सारे बंदे हैं. यू हैव मच मोर पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब एंड यू कैन हैव यू कैन हैव अ वाइडर चॉइस. व्हेन यू टॉक अबाउट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, वेल ऑफ कोर्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, there is a chance that the existing staff get a chance of promotion, so it boosts up their morale. Unko unke spirits ko motivated karte hain, they get a positive vibe. The method of external recruitment, it brings down the morale of the employees as they do not get a chance of growth and development. So sabka apna positives and negatives hai. Hamesha recruitment, when you become a recruiter, I would always suggest that you go down for a mix and match. You take the golden rule out. Positives low internal ka, positives low external ka, and then mix them up. Your recruitment process should be a combination of both external and internal. Right? Right? Till this point, is it understood?